जो हमारी एनर्जी की जितना इस्तेमाल होता है इस्तेमाल होती है उसमें से जो सबसे मेजर जो जहाँ पे जहाँ इस्तेमाल होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेजर तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ों चीज़ों में जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन है उसका तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि हर चीज़ हर जगह जाना चाहे आप बस क्यों ना लेके जाएं चाहे ट्रेन क्यों ना लेके जाएं लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन का यकीन एक बहुत बड़ा कंजम्पन है एनर्जी के लिए तो वो उसको देखना पड़ेगा ज़रा एहतियात से कि कहाँ जाती है उसकी एनर्जी और क्या कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी ज़रा अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाए एफिशेंस तरीके से इस्तेमाल की जाए इकोनॉमिक तरीके से इस्तेमाल की जाए और सारा पूरा उसका जो पूरा बिज़नेस सेटअप है उस ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए उसको थोड़ा सा एहतियात से देखना पड़ेगा कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिसको मॉडिफ़ाई किया जा सकता है बेहतर एफ़िशनसी के लिए तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो इसमें आप जरा नंबर को देख लें इन, इन, दो हज़ार बीस के नंबर हैं ये जहाँ जगह थोड़ा सा मुख्तलिफ है मैं बताता चलूँगा कि कौन सी जगह जो ईयर है वो मुख्तलिफ है तो ये पूरी अमरीका में फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन दो सौ पचास मिलियन जो है रजिस्टर्ड वहीकल है उनका उनकी पॉपुलेशन है तीन सौ कुछ मिलियन तीन सौ बीस तीन सौ तीस मिलियन तो इसका मतलब ये कि पॉइंट एट सेवन मिलियन कार और ट्रांसपोर्टेशन और वहीकल पर पर्सन उनके पास मौजूद है चाइना में तीन सौ पचास मिलियन गाड़ियाँ हैं और इसके वॉर एवर वन पॉइंट वन बिलियन पीपल आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि जीरो पॉइंट टू फाइव पर पर्सन उनके पास पड़ जाता है पाकिस्तान में साढ़े छः सौ मिलियन गाड़ियाँ हैं ये एक बड़ी मज़ेदार बात है कि इतनी सारी गाड़ियाँ इस इकनॉमिक लेवल के ऊपर और ये दो हजार बीस का नंबर है और इसको देख लें हम पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है दो सौ मिलियन उसको आप डिवाइड कर लें तो इसका मतलब पॉइंट टू एट पर पर्सन गाड़ी पाकिस्तान में है और उसको कंपेयर करना अमेरिका से तो नहीं कंपेयर कर सकते हैं लेकिन चाइना से कंपेयर कर सकते हैं चाइना के नंबर से या बराबर है या थोड़ी सी आसपास ही है थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों का डिपेंडेंस कितना हो गई है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अफोर्डेबिलिटी हो गई है या अवेलेबिलिटी हो गई दोनों मिला के देख लें तो उसका उसकी वजह से अंदाज़ा होता है अब पूरे दुनिया में एक बिलियन गाड़ियां हैं एक बिलियन और आपको पता है 2022 के अंदर आ, हम लोग आ, एट बिलियन तक के आठ बिलियन तक के पहुंच गए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट वन थ्री पर पर्सन तो हम लोग जो है ना पाकिस्तान में सारी दुनिया के एवरेज के हिसाब से दुगने हैं इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं तो कुछ अच्छी बात है उसमें कुछ थोड़ी सी बुरी बात यह है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये कि फिर वो पेट्रोल वगैरह कंजम्पशन पाकिस्तान में अभी तक के इलेक्ट्रिक कार का तो इतना रुझान नहीं हुआ लेकिन इलेक्ट्रिक कार भी बनेगी तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी तो कोयला जला के वही थर वाले प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप गैस से चलाएँगे या किसी और तरीके से चलाए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो वही फॉसिल फ्यूल चला के ही आएगी ना तो वो वो उसका थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है अब ये सारी चीज़ों में इतने ट्रांसपोर्टेशन है कितना इंटेंस है देखें सारी दुनिया में पाकिस्तान में अमेरिका में चाइना में तो इसकी जो अभी जो हमें जो हमें इस्तेमाल हो हो रही है ये इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की बावजूद ये सत, सत्तर फीसद जो ऑयल जो है हमारा वो गैसोलीन पेट्रोल के ज़रिए गाड़ियों तक जाता है सत्तर फीसद बाकी बीस तीस फीसद इंडस्ट्रील वगैरह ये वो आगे पीछे जलाने के लिए काम आता है लेकिन सत्तर फीसद जो ऑयल है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता है तो कितनी बड़ी कहानी है? कोई कोयले की बात नहीं करता कहानी की बात नहीं करता पाकिस्तान में थोड़ी सी गैस की बात हो गई तो हो गई कि सर्दियों में कमी हो जाती है वरना ज़्यादातर बात जो तेल की होती है ना तेल की कीमत क्या है तेल की कीमत ट्रांसपोर्टेशन पे इतना सारा डिपेंडेंस है सारी चीज़ों का जैसे मैंने पहले बताया था कि अंडे की कीमत जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन तेल की कीमत से अटैच्ड है जहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हुआ भाई वो अंडा तो फार्म से आएगा फार्म से तो मार्केट में आएगा तो वो सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें निकलेगी तो वो एडिटिव हो जाती है तो बहुत सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन से इस वजह से हर एक शख्स शख्स को अंदाजा होता है कि आज तेल की कीमत कितनी है कितनी बड़ी कितनी गढ़ी तो वो उसके हिसाब से चलना पड़ता है तो ये काफ़ी सेंसिटिव है हमारे लिए अब ये देखें हर जगह कितनी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह एक तो ये है Uh, दूसरे अफोर्डेबिलिटी की वजह से चाइना में फ़ॉर एग्जांपल देखें मिडिल क्लास में कितनी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी आ गई गाड़ियों की कि सबने कर गाड़ियाँ ख़रीदनी शुरू हो गई पाकिस्तान का भी यही हाल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है हर जगह का कि इतनी सारी गाड़ियों को अफोर्ड कर सकें तो ये अशर हो जाता है जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बिल्कुल पार्किंग लाट है वहाँ बैठ जाए हम बैठ जाएँ तो अब अब आप लोगों को भी काफ़ी इस, इस सिलसिले में एक्सपीरियंस होगा कि जहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ तो बस फिर बैठे रहे वहाँ पे कराची वगैरह में तो जाकर ऐसा हशर होता है बैठ जाते हैं तो फिर एक एक घंटे तक के वो ट्रैफिक जाम रहता है बिल्कुल पड़ा रहता है भाई क्योंकि कोई हिलता नहीं है ना सब आगे पीछे निकलने के चक्कर में होते हैं तो वो कुछ थोड़ा सा कल्चरल भी मसला है उसके अंदर तो लेकिन ये देखें आप सारी जो ये शहर बड़े बड़े शहर जो हैं इसके अंदर ज़्यादातर जो शहर हैं वो चाइना के शहर हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है वो जो बाइंग पावर बढ़ने का जिससे पहले तो साइकिल ले लेते थे अब साइकिल से निकल के गाड़ियों तक पहुँच गए हैं तो उसकी वजह से काफ़ी कंजेशन वगैरह हो गया है उसकी बहुत सारी फिर अफेक्ट होते हैं पोलूशन बहुत बड़ा पोलूशन है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो देखेंगे कि ज़्यादा ज्यादा जो प्रॉब्लम जो आते हैं पीएम 2.5 के वो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम वो यहाँ गाड़ियों से डेवलप होते हैं उनके जल जो जलाते हैं उसके बाद जो बाहर टेल पाइप से निकलता है गैसें वगैरह पार्टिकल्स वगैरह तो सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अब जरा इसके कंपेयर कर लें बड़ी मजेदार चार्ट है इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा सबसे पहले राइट हैंड साइड पे देखें कि एक गैलन पेट्रोल के अंदर एक सौ बीस ब्रिटिश बी यू, थर्मल यूनिट एनर्जी के होते हैं इसको इस मल्टीप्लेटिव फैक्टर को अपने दिमाग में रखें क्यों फिर इसका मतलब है कि अगर दो गैलन हुए तो दो सौ चालीस हजार बी टी हो गए अब देखेंगे कितनी सारी चीजें हैं उनको कंपेयर करेंगे कि उसमें से कितनी एनर्जी की जरूरत होती है अब एक बाईसाइकिल है आठ बाईसाइकिल अगर चलाएं ना मैं बाईसाइकिल चला के अपने घर से कॉलेज जाता हूँ कॉलेज से घर जाता हूँ तो रोजाना कोई बीस किलोमीटर की ये, वो होती है राइड तो इससे तीन हजार दो सौ मील पर टेन टू दिक्स बी टी यू एक मिलियन बी टी यू से आप तीन हजार दो सौ मील तक चले आ सकते हैं तीन हजार दो सौ मील अब उसको कंपेयर करें आप किसी और किसी भी चीज से करें ऑटोमोबील से करें ऑटोमोबाइल में तीन हजार दो सौ के बजाय टू नाइनटी सेवन तीन सौ दस गुना कम दस गुना कम गाड़ी से चलाने का एफिशिएंसी अब उसका क्या हुआ सिर्फ मसला ये कि जो जो बाइसिकल चलाता हूँ वो खुद चलाता हूँ अपनी सारी एनर्जी अपनी जिसमानी एनर्जी से लेकिन गाड़ी जो चलती है वो तेल से चलती है तो सिर्फ ये फर्क है कि जरा आपने बढ़ाया ज़रा नीचे एक्सीटर दबाया पहुंच गए घर पहुँच गया स्कूल पहुँच गए काम पे साइकिल में तो फिर वो थोड़ा सा लगता है फुअत लगती है पैदल चलने से एक हज़ार नौ सौ बस वगैरह ये सब मिला के देख लें तो इसको कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इतनी एफिशिएंट है और नीचे तरह आखिरी वो ट्रेन को देखें तीन हज़ार सत्तावन तो जो ट्रेन की जितनी एफिशिएंसी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है मास ट्रांसपोर्ट के लिए ये पैसेंजर माइल पर मिलियन बी है अब पैसेंजर्स का नंबर अगर ज़्यादा बढ़ा देना तो फिर आप उसकी एफिशंसी देख सकते हैं कि ट्रेन की एफिशंसी कितनी ज़्यादा हो जाती है इस वजह से ज़्यादातर ये मेट्रो वगैरह की जो चीज़ें होती हैं ना जैसे यहाँ पे लाहौर में शुरू हुई है कराची में मेट्रो बस है मेट्रो ट्रेन भी शायद कभी शुरू हो जाए लाहौर में भी बढ़ने वाली है तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अफिशेंटली तेल को इस्तेमाल किया जा सकता है बजाय इसके कि एक आदमी एक शख्स एक गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहाँ जाए ट्रेन में सब बैठ के जाएँ सब बैठ के आए वो फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है जैसे यूरोप में है अमेरिका में नहीं है ऐसा अमेरिका में वही कहानी है जो हमारे पास कहानी है कि हम जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में रोज़ाना कोई दो हज़ार कारें आती हैं उसमें उसमें एक एक आदमी बैठा होता है वो अब फिर उसके बाद बात होती है कि जी एनर्जी एफिशिएंसी ये ये हो रहा है वो हो रहा है वो काम वो जो बुनियादी काम है वो करने को तैयार नहीं है कोई लेकिन बाकी बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो, वो लेकिन यूरोप में है कि आप घर से बाहर निकलेंगे ना वहां से लेके आप पूरा यूरोप घूम लें बसों और ट्रेनों में बिल्कुल घर से बाहर पैर निकालें वहाँ बस होगी वहाँ से ट्रेन मिलेगी ट्रेन से आप दुनिया भर की जगह में सारे यूरोप में चले जाएँ ये अमरीका में नहीं है ये ये और बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं तो ट्रेन का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा है अब फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन देख लें टन माइल पर मिलियन बी टी यू एयरक्राफ्ट का देखें पंद्रह पंद्रह और ओशन टैंकर अब जो होते हैं ना जो तेल वेल ले जाने के लिए बारह हज़ार पाँच सौ फिर रेल राइड का देखें तीन हज़ार तीन सौ पचास रेल ट्रेन का जो ट्रेन है जितनी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन वगैरह के किस्म की चीज़ें होती है ना वो तो बहुत यू नो आर वेरी एफिशिएंट, मच मोर एफिशिएंट देन एनीथिंग एल्स अब उसमें बहुत सारी रेनोवेशन और इनोवेशन आ रही हैं uh, जैसे एलिवेटेड ट्रेन है उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है तो वो इससे भी कहीं ज़्यादा एफिशेंसी उसकी ज़्यादा आ जाती है तो वो ये काफ़ी इसको ज़रा ग़ौर से इस टेबल को देख लें अब ये एनर्जी यूज ये सिर्फ यूएसए का है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनर्जी किस तरह इस्तेमाल की जाती है अब ऑटोमोबाइल जो है ना देखें आप सारी चीज़ों में सबसे बड़ा नंबर जो है वो ऑटोमोबाइल के ऊपर है तीस फ़ीसद जो है एनर्जी उनकी ऑटोमोबाइल पे चली जाती है मतलब तो गाड़ियों पर चल रही है जैसे मैंने बात की थी ना कि एक गाड़ी में एक आदमी सवार है वो गाड़ियाँ चल रही हैं 20, बीस दो हज़ार रोज़ाना आ जाती हैं और, और उसमें एक और भी एक मज़ेदार बात यह है कि गाड़ी में बैटरी है ना बैटरी क्या है एनर्जी है तो इसका मतलब घर से चली गाड़ी एक एवरेज गाड़ी अमेरिका में कोई ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं तो एक घंटे चलती है सारा दिन एक घंटे आधे घंटे ड्राइव करके काम पे आए काम पे काम किया वापस चले गए एक आधे घंटे और एक घंटे की ड्राइव और बाकी गाड़ी की वैल्यू अपनी देखें बैटरी देखें बैटरी एनर्जी है ना वो क्या हुआ आधे घंटे चली एक घंटे तक काम हुआ उस बैटरी से बाकी वो बैटरी पड़ी रहती खड़ी रहती पार्किंग लॉट में इतनी सारी तो अब उन्होंने एक नई चीज़ ईजाद की है वहीकेल टू ग्रिड जब आप आते पार्क करते हैं उसको प्लग लगा देते हैं तो आपकी बैटरी की आधी पावर जो है वो लेके इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको फिर उसका आपको पैसे दे देते हैं कि ये पैसे ले लें अब वो आप जब गाड़ी चला के वापस जाते हैं वो बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है कोई मसला ही नहीं होता तो वो एक ये एक, एक नया प्रोग्राम है जिसके तवसत से जो खड़ी खड़ी गाड़ियों उसकी जितनी भी एनर्जी है उसको कम अज कम दोबारा इस्तेमाल किया जा सके व्हीकल टू ग्रेड वी टू जी उसको प्रोग्राम को कहते हैं तो वो बहरहाल हर जगह नहीं है कुछ जगहों पे हमारी यूनिवर्सिटी में है मोटरसाइकिल बसें देख लें और उसके बाद लाइट ट्रक लाइट ट्रक का मतलब तो छोटे ट्रक हैं बड़े वाले ट्रक नहीं बड़े वाले ट्रक तो फिर वो अदर ट्रक्स में आ जाते हैं तीनों को मिला लें तीस सत्तर अस्सी नब्बे पचास साठ सत्तर अस्सी फीसद जो है वो इसी में ऑटोमोबाइल और ट्रक के दरमियान सारी जो सत्तर फीसद ट्रांसपोर्टेशन की एनर्जी थी वो सत्तर फीसद इस इन चीज़ों के अंदर चली गई बाकी छोटी बड़ी चीज़ें पानी पाइपलाइन रेल वगैरह के अंदर आ जाती है अब रेल देखें कितनी 1.9 1.9 ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ ये गुड्स की बात नहीं कर रहा वो बहुत ही कम ट्रेन का हिसाब किताब है अमेरिका के अंदर कि बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं वो महंगी भी बहुत ज़्यादा है यूरोप की तरह नहीं है कि हर जगह है और सस्ती है तो इस वजह से वो सिर्फ दो सारा ट्रांसपोर्टेशन की जो है परसेंटेज जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है तो ये एक एक पॉलिसी मसला है ये ये एक टेक्निकल मसला नहीं है बल्कि पॉलिसी मसला है कि जिसको जो अपनी ज़रूरियात है उसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है वो इस्तेमाल किया जाए और फिर उसके लिए प्लानिंग करना पड़ती है यानी कि कह दिया कि हाँ ये अच्छी ट्रेन से चलना अच्छी बात है और ट्रेन है ही नहीं तो आप अच्छी बात कैसे करेंगे तो वो पॉलिसी वो उसको इकनॉमिक फीजिबिलिटी उसका बिज़नेस मॉडल निकाल के फिर उसको बताना पड़ता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन है ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन ये